हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देव टेनगुरु। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्विन ब्रोज में। और आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपका जो टर्म 1 का प्रिपरेशन है उसको पूरा बूस्ट लग जाएगा। सीधा देख लेते हैं इस वीडियो में हमें क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले तो जितने भी टाइप के MCQs होते हैं, चाहे वो आपके इमेज बेस्ड हो गए, चाहे वो आपके केस बेस्ड हो गए, असर्शन रीजनिंग वाले होगा, चाहे कि चैप्टर के बीच से कोई MCQ हो गए, सारे हमने इस वीडियो में कवर किए। हम लोगों ने उन सारे MCQs को 1 word फॉर्मेट में बना दिया है, यानी कि आपको क्वेश्चन पता होगा, आपको आंसर पता होगा, फिर वो किसी भी ऑप्शंस के साथ में आ जाए, किसी भी तरीके से पूछ लिया जाए, आपसे उसका आंसर बन जाएगा। एक चीज जो आप में से बहुत सारे लोग पूछे थे, क्या इससे हमारा पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा? अगर आपने हमारी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखी, यानी कि आपको पूरी NCERT आती है प्लस आपने सारे MCQs देख लिए, तो आपका 100% प्रिपरेशन हो जाएगा और आप बोर्ड में आग लगाने वाले हो। कुछ चीजें जो आप में से बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि PDF दो भैया, तो हमने PDF का सिस्टम चालू कर दिया कि सारे PDF, यानी कि PDF में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे डले रहेंगे, जो कि हम डिस्कॉर्ड सर्वर में शेयर करेंगे। तो अगर आपको कभी रिविजन करना है, अब आपको फ्यूचर में देखना है कि क्वेश्चन मुझसे बन रहे हैं या नहीं, तो आप वहां पर डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, आपको पूरा PDF के लिंक मिल जाएंगे। सीधा स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। 19th century Europeans were very interested in the stupa at Sanchi. In fact, the French sought Dash's permission to take away the eastern gateway, which was the best preserved to be displayed in a museum in France. तो यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है कि इसी के अंदर से पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन इंटरेस्टेड थे, कि यूरोपियंस और फ्रांस फ्रेंचमैन, ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे हमारे स्तूपास को लेके जाने के लिए, और उन्होंने किसकी परमिशन मांगी थी आपसे पूछा गया है। ये बॉक्स जो है ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर आपको चैप्टर में से कुछ भूल गए हो तो यहाँ पे बहुत सारी डिटेल इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप खुद पढ़ सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैप्टर वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर शाहजहां बेगम, फ्रेंचमैन जो थे, इन्होंने हमें परमिशन मांगी थी शाहजहां बेगम से कि क्या हम इसको ले जा सकते हैं, लेकिन एट द एंड इन लोगों को प्लास्टर कास्ट कॉपीज दे दिए गए थे। इसके बाद हु वाज द सक्सेसर ऑफ शाहजहां बेगम, ये जो दोनों बेगम थी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। शाहजहां बेगम उनकी सक्सेसर थी सुल्तान जहां बेगम, इन दोनों को ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, इन्होंने बहुत सारा हमारे जो इंपॉर्टेंट साइट्स थी उनको प्रिजर्व करवाने का काम किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जॉन मार्शल डेडिकेटेड हिज इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स ऑन सांची टू सेम सुल्तान जहां बेगम, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प करी थी हमारे जॉन मार्शल को अपनी चीजें करने के लिए, अपना काम, अपने वर्क्स को करने के लिए, लिखने के लिए, प्रिंट करवाने के लिए, सभी में इन्होंने फंडिंग की थी। आप बॉक्स पढ़ सकते हैं। ऋग्वेद वाज कंपाइल्ड बिटवीन, ऋग्वेद बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी हिस्ट्री में, तो इसको कंपाइल किया गया था अप्रोक्सीमेटली 1500 से 1000 BCE के बीच में। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्धिस्ट टेक्स्ट मेंशन एज मेनी डेक सेक्ट्स और स्कूल्स ऑफ थॉट, तो इसका आंसर हमारा सिंपल सा है 64। तो ये हमारा आंसर होता है। बहुत सारे हमने देखे थे कि जो बुद्धिज्म थे ये अपने डिस्कशंस में, डिबेट्स में बहुत ज्यादा बिलीव रखते थे, इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम आगे देखने वाले हैं। डिबेट्स टुक प्लेस इन द डैश लिटरली अ हट विद अ पॉइंटेड रूफ और इन ग्रूव्स वेयर ट्रेवलिंग मेंडिकेट हॉल्टेड, तो यहाँ पे हमारा आंसर है कि किस जगह पे ये लोग डिबेट जो करते थे वो किस जगह पे किया करते थे, उसका क्या टर्म, उसका क्या नाम था। तो हमारा आंसर सिंपल सा है, कुटागर शाला, इंपॉर्टेंट नाम है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैनी ऑफ दीज टीचर्स इंक्लूडिंग डैश एंड द बुद्धा क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ वेदास, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि नाम दियो, आपसे पूछा हो किसकी अथॉरिटी को क्वेश्चन किया था, तो आपको लिखना पड़े वेदास। ऐसे भी क्वेश्चन थोड़े से आगे पीछे करके भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने 1 word फॉर्मेट में बनाया ताकि आपको सारी अंडरस्टैंडिंग मिले, सारे आपका नॉलेज आपको मिल सके। तो इसका आंसर है गौतम बुद्ध और महावीर, इन दोनों ने ही हमारे वेदास को क्वेश्चन किया था, और नए रिलीजियस इसलिए ही बनना चालू हुए थे क्योंकि अब ये लोग जो नए रिलीजियस लीडर्स आए थे वो हमारे वेदास को अपोज कर रहे थे। वर्धमान केम टू बी नोन एज, तो वर्धमान को बाद में क्या बुलाया जाने लगा, तो इसका सिंपल सा आंसर है महावीर, ये आप सभी को ज्यादातर पता होगा। अब हम बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। महावीर वॉज प्रिसीडेड बाई डैश अदर टीचर्स और तीर्थांकर, तो महावीर जी के पहले कितने और तीर्थांकर आए थे, तो सिंपल सा क्वेश्चन है 23, महावीर वॉज द 24th तीर्थांकर। इसके बाद इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट आइडियाज इन जैनिज्म, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नहीं डाला, सारे आइडियाज डाले, सारी फिलोसफी डाली है, क्योंकि ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो आपको पूरी पता होना चाहिए तभी आपसे सारे टाइप के क्वेश्चंस वहां पे बनेंगे। तो यहां पे मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूं, मैंने एक्सप्लेनेशन चैप्टर की जो वीडियो थी वहां पे बहुत डिटेल्ड में सब पढ़ा है, तो अगर आपको ये नहीं पता है तो वहां पे आप देख सकते हो। तो जो वर्ल्ड है वो पूरा एनिमेटेड है, हर एक चीज में लाइफ है, हमें किसी भी लिविंग बींग में को हार्म नहीं करना चाहिए, हमें अहिंसा को फॉलो करना चाहिए, तो इनकी अहिंसा का प्रिंसिपल था, इसने पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था। इसके बाद इनका कहना था जो बर्थ और रीबर्थ की साइकिल है वो कर्मा से शेप होती है, अगर
अगर हमें इस कर्मा के साइकिल से बचना है तो हमें असेटिसिज्म और पिनेंस का रास्ता अपनाना पड़ेगा, साथ साथ हमें इस वर्ल्ड को रिनाउंस करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो जैन मॉन्ग्स होते हैं और नंस होते हैं वो 5 वाउस लेते हैं, टू एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, स्टीलिंग एंड लाइंग, टू ऑब्जर्व सेलिबेसी एंड टू एब्सटेन फ्रॉम पोजेसिंग प्रॉपर्टी। तो ये पूरा इनके अंडर में आता है, इसके अंडर में आता है। अगर आपको ये पूरी बनती है तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय हेजियोग्राफी। इसका जो आंसर है मैं नहीं बताने वाला, आप कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो, लेकिन बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये टर्म है, आपको इसका आंसर बनना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ना बने तो दूसरों का आंसर देख सकते हैं, फिर पूछ सकते हैं। तो सीधे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन सिद्धार्थ एज द बुद्धा वॉज नेम्ड एट बर्थ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध का बर्थ नेम क्या था, तो वो था सिद्धार्थ। वॉज द सन ऑफ अ चीफ ऑफ द डैश क्लैन, कौन से क्लैन को ये बिलोंग करते थे, साक्या क्लैन, ये एक गण को बिलोंग करते थे, हमने पिछले चैप्टर में देखा था। आफ्टर एनलाइटमेंट बुद्धा टॉट डैश और द पाथ ऑफ राइटियस लिविंग फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, तो एनलाइटमेंट अटेन करने के बाद गौतम बुद्ध ने अपनी पूरी लाइफ क्या टीच किया बाकी लोगों को, तो धम्मा, जिसको अशोक ने भी बहुत ज्यादा स्प्रेड करने की कोशिश करी अपने महामात्यास के तरीके से, महामात्यास को अलग अलग जगह पर भेजकर। The Buddha's teachings have been reconstructed from the stories found mainly in the dash. तो जो गौतम बुद्ध की main teachings थी वो हमें एक book में मिलती है, वो कौन सी है, हमारी सुत्ता पिटाका। ऐसे 3 पिटाकास थे, वो हम आगे देखने वाले हैं, तो अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आपको बाकी 2 नहीं पता तो। इसके बाद आती है बुद्धिस्ट फिलोसफी, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जैन फिलोसफी के, और ये भी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे मैं ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। द वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, यानी कि यहाँ पे कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, हर एक चीज को चेंज होना है। साथ साथ जो सोरो है, जो दुख है, वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस को इंट्रिंसिक है, यानी कि उसी से कनेक्टेड है, उससे अलग नहीं है, ना कि हम उसको अलग कर सकते हैं। साथ साथ इनका कहना है कि अगर आपको वर्ल्डली ट्रबल से बचना है, इससे अलग होना है, तो आपको सेल्फ इंडल्जेंस और पेनेंस के बीच का एक बैलेंस करके एक अच्छा रास्ता अपनाना पड़ेगा। गौतम बुद्ध ने बताया था कि जो ये सोशल वर्ल्ड है, ये डिवाइन ओरिजिन का नहीं है, बल्कि हम इंसानों ने बनाया है, इसलिए जितने भी पावरफुल लोग थे, किंग्स हो गए, गहपति हो गए, इनसे ये बोला करते थे कि आप अच्छे से ट्रीट करें अपने नीचे के लोगों को, ये इनका कहना था। और लास्ट में गौतम बुद्ध बोलते हैं कि हमारे खुद के जो एफर्ट्स हैं, हमारे खुद के जो एक्शंस हैं, उन्हीं के थ्रू हम रीबर्थ की साइकिल से बच सकते हैं, उन्हीं के थ्रू हमें सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है और निर्वाणा को हम अटेन कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन से। बी लैम्प्स अनटू योरसेल्फ्स एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन, ये किसके आखिरी वर्ड्स थे, तो ये हमें देखा था हमारे चैप्टर में, ये गौतम बुद्ध के आखिरी वर्ड्स बताए जाते हैं बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बुद्धास फॉस्टर मदर डैश वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी ऑर्डेन्ड एज भिकुनी, अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि दोनों ही लिख के आए, आपसे पूछा जा सकता है बुद्धा की फॉस्टर मदर कौन थी, या फिर कौन थी जो पहले सबसे पहले भिकुनी बनी थी, तो आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए महाप्रजापति गौतमी। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम आगे देखने वाले हैं। इन द लिटरेचर वी फाइंड द वर्ड डैश रेफरिंग टू साइट्स दैट वर कंसीडर्ड सेक्रेट, तो एक टर्म था जो हमने एक बॉक्स में देखा था, वो है चैत्यास। तो चैत्यास क्या होते थे, जो भी सेक्रेट जगहें होती थी उनके लिए टर्म यूज किया जाता था। इसके अगला क्वेश्चन है हमारा द बुद्धा, यहाँ पे कोई क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। बुद्धा वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी, ये क्वेश्चन बन सकता है। बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट एट बोधगया, बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सर्मन एट सारनाथ, और बुद्धा अटेंड निब्बाना एट कुशीनगरा। चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आने की चांसेस बहुत 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 ज्यादा है। इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत हाई वैल्यू होल्ड करते हैं, खासकर एमसीक्यू में ये पूछे जा सकते हैं। रेलिक्स ऑफ द बुद्धा सच एज हिज बॉडीली रिमेन्स और ऑब्जेक्ट्स यूज्ड बाय हिम वर बरीड इन माउंट्स नोन एज, तो माउंट्स किस नाम से बुलाए जाते थे हमें पता है, स्तूपास। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्तूपास हमने पूरे चैप्टर में देखे थे। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट नोन एज द डैश, अशोका डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्शंस ऑफ द बुद्धास रेलिक टू एवरी important town and ordered the construction of stupas over them. तो एक text है, थोड़ा सा difficult question है, लेकिन MCQ जब options आएंगे तो easy हो जाएगा, क्योंकि इसका नाम है अशोक वाधना। तो आप एक बार नाम पढ़ लें, थोड़ा बहुत इसको याद कर लें, तो वहाँ पे options देखेंगे तो ये बन जाएगा आपसे। अगला question है, question में सिर्फ मैंने एक image डाल दी है, एक image base की तरह आ सकता है या फिर normal MCQ बन के आ सकता है, तो देख लेते हैं कैसे question यहाँ से आते हैं। तो यहाँ पे basically मैंने कुछ चीजें आपको बता दी है,
कि जो हमारे स्तूपा होते थे उनका मेन जो कंस्ट्रक्शन होता था, आर्किटेक्चर होता था, वो किस टाइप का होता था। तो सबसे पहले तो जो सेमी सर्कुलर माउंड होता था स्तूपा का, उसको हम बुलाते थे अंडा, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद इस अंडा के ऊपर हर्मिका होते हैं, हर्मिका बनाया जाता था जो कि एक बालकनी होता था जो कि भगवानों का घर बताया जाता था। तो ये जितने भी बोल्ड में टर्म्स देख रहे हैं, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट रिप्रेजेंटेड द अबोड ऑफ गॉड्स, तो आप बताना होगा हर्मिका। इसके बाद हर्मिका के ऊपर एक यष्टि होता था, एक पोल लगा होता था जो अक्सर जिसके ऊपर अक्सर एक छतरी लगा दी जाती थी, एक अम्ब्रेला लगा दिया जाता हो जाता था। और इसके बाद जो पूरा माउंड होता था उसको पूरा रेलिंग से कवर किया जाता था ताकि सेक्रेड प्लेस को पूरे वर्ल्ड से अलग रखा जा सके। तो ये जितने भी टर्म्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू इनसे बन सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा। यहाँ पे हमारे सामने चार स्टेटमेंट्स दिए, हमें देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो सीधा देख लेते हैं हर्मिका, वैसे ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैं नहीं देने वाला हूँ क्योंकि ये सिर्फ इसी से उठ के आया है। तो अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया, मैं रिकमेंड करूंगा एक पॉज करके एक अच्छे से पढ़ो और उसके बाद इसको आंसर करने की खुद से कोशिश करो। हर्मिका इज अ बालकनी लाइक स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंटेड द एबोड ऑफ गॉड्स। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर टू है, अ मास्ट कॉल्ड द अंडा अरोज फ्रॉम द हर्मिका। क्वेश्चन नंबर थ्री है, द मास्ट द यष्टि वाज ऑफन सराउंडेड बाय छतरी और द अम्ब्रेला। और फोर्थ ऑप्शन है, यष्टि अरोज फ्रॉम द हर्मिका। तो आप बताइए इनमें से कौन सा वाला सही है। ये हमारे पास ऑप्शन है, आप ऑप्शन देखिए और बताइए कौन सा सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्तूपास इज आर ट्रू। तो देख लेते हैं, सांची स्तूपा वॉज नॉट प्रिजर्व केयरफुली एट द साइट। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट, हमने देखा था चैप्टर में जो सांची में स्तूपा मिला था वो अच्छी कंडीशन में भी मिला था, उसके बाद हमने उसको अच्छे से प्रिजर्व करके भी रखा। स्तूपा एट अमरावती वॉज नॉट प्रिजर्व केयरफुली एट द साइट, एकदम सही। हमने देखा था कि उसकी जो हमें बहुत पहले मिल गया था तो हिस्टोरियंस को उसकी वैल्यू समझ में नहीं आई थी। बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। तो एकदम सही स्टेटमेंट हमारा स्टेटमेंट नंबर बी, स्तूपा एट अमरावती वॉज नॉट प्रिजर्व केयरफुली एट द साइट। बाकी सारे स्टेटमेंट वहां पे गलत थे। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, अकॉर्डिंग टू हेजियोग्राफीज द बुद्धा अटेन्ड एनलाइटमेंट व्हाइल मेडिटेटिंग अंडर अ डैश। तो ऑप्शन आ सकते हैं ट्री, क्लाउड और कुछ भी आ सकता है। तो इसका आंसर है हमारा ट्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में मैंने एक इमेज डाली है, जरूरी नहीं है कि एक इमेज बेस्ड के तरीके से ही पूछा जाए, ये आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, मे बी एक इमेज के अंडर भी पूछ लिया जा सके। तो आप देख लेते हैं क्या हमने दिया है क्वेश्चन में। तो एम्प्टी सीट किस चीज को इंडिकेट करता था, गौतम बुद्ध के मेडिटेशन को। तो इस तरीके बहुत सारे सिम्बल्स यूज किए जाते थे बहुत सारे अलग अलग टेक्स्ट में, अलग अलग जगहों पर फिगर्स में। इसके बाद जो व्हील था वो किस चीज को डिनोट करता था, किस चीज को इंडिकेट करता था, गौतम बुद्ध का फर्स्ट सर्मन जो उन्होंने सारनाथ में दिया था। तो इमेज मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लगाई हुई है। वन ऑफ द अर्लीस्ट मॉडर्न आर्ट हिस्टोरियन जेम्स फर्ग्यूसन कंसिडर्ड सांची टू बी द सेंटर ऑफ डैश। तो इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी थी, इनको लगा था ये ट्री और सर्पेंट वर्शिपर्स का पूरा लैंड है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था। इनको ऐसा लगा क्योंकि इन्होंने को टेक्स्ट का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। जो हमारे फिगर्स थे वहां पर ट्री बनाए, लेकिन हमने देखा कि कैसे ट्री एक अलग चीज को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 29, डैश वर परसीव्ड एज डीपली कंपैशनेट बीइंग्स हु एक्युमुलेटेड मेरिट थ्रू देयर एफर्ट्स but use this not to attain nibbana and therefore abandon the world but to help others। तो ऐसे कौन से लोग थे जो निबन अटेन नहीं करते थे बल्कि बाकी लोगों को हेल्प करने की कोशिश किया करते थे। तो ये लोग थे बोधिसत्तास। तो बोधिसत्तास थे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे, गौतम बुद्ध और इनकी वर्षे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जाने लगी थी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 30। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं, सीधे मैंने स्टेटमेंट्स डाले हैं कि महायाना यानी कि द ग्रेटर व्हीकल, हिनायाना द लेसर व्हीकल। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला था जो पुराने ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे थे उनको हिनायाना बुलाया जा रहा था, जो नए ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे थे उनको महायाना बुलाया जा रहा था। तो यह बॉक्स भी यहाँ पे पढ़ सकते हो, हालांकि जो हिनायाना ट्रेडिशन के फॉलोअर्स थे वो खुद को हिनायाना नहीं थेरावादिन्स बुलाते थे। तो यह हमें देखने को मिला था हमारे चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 31, वैष्णविज्म में क्या होता है। यहाँ पे वैष्णविज्म के अंडर में हमारे जो प्रिंसिपल डायटी होते हैं विष्णु जी होते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है वो प्रिंसिपल डायटी अंडर वैष्णविज्म। और शैविज्म में शिव जी होते हैं चीफ गॉड। क्वेश्चन नंबर 32, लॉर्ड शिवा वॉज सिंबलाइज्ड बाय द डैश ऑल्दो ही वॉज ओकेशनली रिप्रेजेंटेड इन ह्यूमन फॉर्म टू। तो लॉर्ड शिवा को हम किस चीज से और रिप्रेजेंट करते थे, इसका सिंपल सा आंसर आपको बहुत सारे लोगों को पता होगा, लिंगा। तो ये हमें देखने को मिला था, कोनिकल शेप जो था वो लॉर्ड शिवा के लिए यूज किया जाता था। पुराणास वर कंपाइल्ड बाय द ब्राह्मण्स।
पुराणास बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि इनकी जो संस्कृत लिखी गई थी वो बहुत सिंपल संस्कृत थी, बाकी वेदास से कंपेयर अगर हम करें तो हम मानते थे कि मे बी ऑर्डिनरी लोगों के लिए लिखी गई थी। तो ये हमारे सामने निकल के आता है, द अर्ली टेम्पल वॉज अ स्मॉल स्क्वायर रूम कॉल्ड द डैश। वैसे ये जो क्वेश्चन आएगा वहां पे मे बी सिर्फ इतना ही आ जाए, आपसे फुल स्टॉप लगा दिया जाए, लेकिन मैंने पूरा स्टेटमेंट लिख दिया ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो पूरे क्वेश्चन की, फिर किसी भी तरीके से आए वो आपसे बन जाए। तो जो अर्ली टेम्पल्स थे जो स्मॉल स्क्वायर रूम्स के जैसे थे उनको हम क्या बुलाते थे, विद अ सिंगल डोर फॉर द वर्शिपर टू एंटर एंड ऑफर वर्शिप टू द इमेज। ये सिर्फ इतना क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, ये अगला वाला जो है वो मे बी सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने बन किया जाए। ग्रेजुअली अ टॉल स्ट्रक्चर नोन एज द शिखर वॉज बिल्ट ओवर द सेंट्रल श्राइन। तो जो अर्लीस्ट टेम्पल थे उनको हम बुलाते थे गर्भगृह, लेकिन इसके बाद इधर पे बहुत सारे बड़े बड़े टॉल स्ट्रक्चर्स बनाने लगे जिसको हम बुलाते हैं शिखर। What is the meaning of three baskets? तो पहले मैंने बोला था हम पिटाका के बारे में देखने वाले चैप्टर इसी वीडियो में आगे, तो वो ये पार्ट आ चुका है। तो थ्री बास्केट हम किसको बुलाते थे, ती पिटाका को। तो तीन पिटाकाएं थी हमारी, तीनों को हम देख लेते हैं, बॉक्स में आप एक बार पॉज करके जरूर पढ़िएगा। सबसे पहले आता है विनय पिटाका, यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस लिखे गए थे सारे, जितने भी लोग संघ को ज्वाइन करते थे उनके लिए, जितने भी भिक्कू और भिक्कुनीज होते थे उनके लिए था यहाँ पे। उसके बाद आता है हमारा सुत्ता पिटाका, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, इसमें साई गौतम बुद्ध की जो टीचिंग्स थी उनको लिखा गया था। और लास्ट में आता है अभिधम्मा पिटाका, इसमें जितने भी फिलोसफिकल चीजें थी वो सारी लिखी गई थी। तीनों पिटाकाएं बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद द संघ वॉज एन एसोसिएशन ऑफ डैश भिक्कूज एंड भिक्कुनीज मर्चेंट्स ट्रेडर्स डांसर। तो भिक्कूज एंड भिक्कुनीज अभी मैंने आपको आंसर बताया, भिक्कूज एंड भिक्कुनीज। क्वेश्चन नंबर 37, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द संघ। तो देख लेते हैं सारे स्टेटमेंट्स को। महाप्रजापति गौतमी पर्सुएडेड बुद्ध टू अलाउ वेमेन इन टू द संघ। बिल्कुल गलत, महाप्रजापति गौतमी ने नहीं किया था, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमने पहले देखा है, लेकिन ये इन्होंने नहीं किया था। अब किसने किया था आगे क्वेश्चन में देखेंगे। मैनी वेमेन हु एंटर द संघ बिकेम टीचर्स ऑफ धम्मा एंड वेंट टू बिकम थेरीज। सही, वन विद इन द संघ ऑल वर रिगार्डेड इक्वल, ये भी सही। तो इसका आंसर सेकेंड और थर्ड आर करेक्ट। अब हम देख लेते हैं हु पर्सुएडेड गौतम बुद्ध टू अलाउ वुमेन इनटू द संघ, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है आनंदा, जो कि गौतम बुद्ध की एक डिसिपल थी। अगला क्वेश्चन है असर्शन और रीजन टाइप वाला। द मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी सॉ द इमर्जेंस ऑफ न्यू रिलीजन्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बिल्कुल हाँ, हमने बहुत सारे नए रिलीजन्स को इमर्ज होते हुए देखा, बुद्धिज्म हो गए, जैनिज्म हो गए। रीजन इसका दिया हुआ है, पीपल बिगेन स्पेकुलेटिंग ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द सैक्रिफिशियल ट्रेडिशंस एंड द अथॉरिटी ऑफ वेदास। तो दोनों ही एकदम सही स्टेटमेंट है और रीजन एकदम सही दिया हुआ है। नए ट्रेडिशंस क्यों बने, क्योंकि अब जो पुराने ट्रेडिशंस थे हमारे सब कॉन्टिनेंट के उनको लोग क्वेश्चन करने लगे, उनके अगेंस्ट जाने लगे, और अगेंस्ट जो लोग जा रहे थे वो अपने नए ट्रेडिशंस बना रहे थे। तो यहाँ पे आंसर है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट इंक्लूड्स रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर दोज हु जॉइन द संघ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको इसका आंसर बताया, हमने तीन पिटाकाएं देखी थी, तो इसका आंसर है विनय पिटाका। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, द टू कैटेगरीज ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू द सुत्ता पिटाका आर। तो हमें एक बॉक्स था उसमें ये लिखा हुआ है कि सुत्ता पिटाका में बताया गया है कि दो टाइप के लोग होते हैं, एक फैटलिस्ट दूसरे मटीरियलिस्ट। तो ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ, फैटलिस्ट वो लोग थे जो मानते हैं कि सारी जितनी भी चीजें हैं वो प्री डिटरमाइंड है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते अपने एक्शन से। तो ये फैटलिस्ट ग्रुप वाले लोगों को, मटीरियलिस्ट वाले मानते थे कि ऐसी कोई भी चीज नहीं होती कि लाइफ आफ्टर डेथ या फिर रीबर्थ, ये सब कुछ नहीं होता, सैक्रिफाइसेस करने से ऑफरिंग करने से इनसे कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। तो ये दो ग्रुप्स थे, आपको नाम पता होना चाहिए। जनरली इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको केस बेस्ड के रूप में देखने को मिलेंगे, आपके सामने वो बॉक्स होगा, आपको आंसर लिखना पड़ेगा। इसके बाद पॉपुलर बुद्धिस्ट टूपास इन इंडिया, सांची पॉपुलर है, सानार पॉपुलर है, भारत पॉपुलर है, तो ऑल ऑफ दिस का आंसर होगा। तो इसका आंसर all of these। question number 43, in situ stands for, तो ये एक box में छोटे से मैं दिया हुआ है, on the spot, at the stupa, under the tree, तो इसका answer है on the spot। अगला question है हमारा एक assertion reason type question, over the centuries his message spread across the subcontinent and beyond through central asia to china, korea and japan and through sri lanka, across the seas to myanmar, thailand and indonesia। तो ये एकदम सही statement है, ये हमारे बुद्धिज्म की बात की जा रही है कि बहुत ज्यादा ये spread हुआ था। इसके बाद वी कम टू नो अबाउट बुद्धिस्ट टीचिंग्स एज दीज हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड केयरफुली एडिटेड ट्रांसलेटेड एंड एनालाइज्ड। हिस्टोरियंस हैव आल्सो ट्राइड टू रिकंस्ट्रक्ट डिटेल्स ऑफ हिज लाइफ फ्रॉम हेजियोग्राफीज। दोनों स्टेटमेंट्स तो सही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, क्योंकि अगर रीजन में बताया जाता कि इतना ज्यादा इनका जो मैसेज था वो स्प्रेड क्यों हो रहा था, तब हम बोलते कि assertion भी सही है, रीजन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। लेकिन अभी हमारा आंसर होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। assertion दिया हुआ है, सांची स्तूपा सर्वाइव्ड व्हाइल अमरावती डिड नॉट।
एकदम सही, मैंने बहुत बार इसके बारे में डिस्कशन भी किया और रीजन दिया हुआ है। सांची स्तूपा वाज डिस्कवर्ड इन 1818 व्हेन स्कॉलर्स अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ सच फाइंडिंग्स, व्हाइल अमरावती व्हिच वाज डिस्कवर्ड इन 1796 वाज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स साइट। एकदम सही स्टेटमेंट्स है दोनों, एक्सप्लेनेशन भी सही है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी इसी वीडियो में बताया हुआ है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आपको ये ऑप्शंस रहेंगे, चाहे आपको टिक करना होगा। इसके बाद आते हैं हमारे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस। मोस्ट प्रोबेबली आपके साथ होगा ये कि एक इमेज दी होगी, आपको नाम में मार्क करना होगा। तो सीधे देख लेते हैं कौन सी इमेज किसकी है। सबसे पहले ये शाहजहां बेगम की इमेज, उसके बाद आती है हमारे सामने एक तीर्थांकर की इमेज जो कि हमें मथुरा से मिली है। तो ये जो इमेजेस हैं आप एक बार पॉज करके देख सकते हो। इसके बाद हमारे पास तीन और इमेज आती है जिसमें से पहली वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे ईस्टर्न गेटवे की फोटो है सांची से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगली फोटो है गौतम बुद्ध की मथुरा से, इसके बाद लास्ट फोटो है सर्पेंट एट सांची। तो ये जितनी भी इमेजेस हैं ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इस चैप्टर की, क्योंकि सीधा हमें समझ में आ रहा है। गौतम बुद्ध अलग ही दिख रहे हैं, सर्पेंट क्लियरली समझ में आ रहा है, गेटवे को भी आप देख सकते हो। तो इस इमेजेस इस बार की जो चैप्टर की ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप एक बार अच्छे से देख लेंगे, नाम पढ़ लेंगे तो आपसे बन जाएंगे। अब आता है केस बेस्ड क्वेश्चंस। बहुत सारे बच्चे कमेंट में बोल रहे थे भैया आप केस बेस्ड क्वेश्चंस नहीं करा रहे हो, केस बेस्ड क्वेश्चंस हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं, तो सारी प्रॉब्लम्स आज सॉर्ट आउट होंगी। यार ऐसा नहीं है कि हमने केस बेस्ड कराए नहीं है, हमने उनको वन वर्ड फॉर्म में डाल दिया था, उन्हीं से वो बन के आने वाले हैं। बेसिकली होता क्या है, या तो आपसे जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली केस से पूछ लिया जाएगा तो आप सीधे इसको पढ़ोगे, आप उसका आंसर कर पाओगे, या तो वो चैप्टर के बीच से पूछा जाएगा जो हम आगे देखेंगे आपको बहुत ज्यादा क्लियर होने वाला है। तो बेसिकली होता क्या, आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है, अब इससे रिलेटेड चैप्टर में जो इंफॉर्मेशन है वो क्वेश्चन बन के आते हैं। तो आप पॉज करिए, एक बार इसको फटाक से पढ़िए, सीधा हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। सीधा हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, व्हाई वर सैक्रिफाइसेस परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। तो अगर आप इस पूरे टेक्स्ट को पढ़ोगे तो इसमें इतना ज्यादा क्लियर आंसर नहीं है, लेकिन हमने चैप्टर में इसको पढ़ा है, बहुत इजीली हमसे ये आंसर बन जाना चाहिए इवन केस को देखे बिना, क्योंकि फॉर द बर्थ ऑफ सन्स। तो हमें देखा था यार, बाकी ऑप्शन आप पढ़ सकते हो, डॉटर्स के लिए नहीं किया जाता था, गौतम बुद्ध एकदम मना करते थे सेक्रीफाइसेस वगैरह के लिए, नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता, क्योंकि बर्थ ऑफ सन्स के लिए सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करवाए जाते थे। परफॉर्म कौन करवाता था, हमारे जो ब्राह्मण्स होते थे करवाते थे, जो राजा लोग होते थे, जो क्षत्रियास होते थे, फॉर द बर्थ ऑफ सन। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें देखना है, ऋग्वेद कंसिस्ट ऑफ हिम्स इन प्रेज ऑफ अग्नि इंद्र सोम एटसेट्रा। ये भी हमारे जो टेक्स्ट था उससे लाइन नहीं है, पूरी हमारे चैप्टर की लाइन है। इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको देखने को मेनली मिलने वाले हैं। मेनी ऑफ देम दीज हिम्स वर चेंटेड व्हेन सैक्रिफाइसेस वर परफॉर्म्ड, ये भी हमारे एनसीईआरटी की लाइन है। तो अब आंसर इसका क्या होने वाला है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। इसका आंसर है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे जो कि चैप्टर की कोई आपसे इन्फॉर्मेशन पूछ रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सीधे केस से पूछ लेंगे तो वो तो ईजी ही होने वाले हैं, क्योंकि केस में उसका आंसर आपको मिल जाएगा। और लास्ट कुछ पहले आते थे यार कि हमारी अंडरस्टैंडिंग से वो लोग क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन अब एमसीक्यू टाइप है तो मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चन थोड़े कम ही हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से अगर आप एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखते हैं तो आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, और एमसीक्यू की जो इंपॉर्टेंट वीडियोस में तो हम सारी चीजें कवर कर ही रहे हैं। अब हमने इमेजेस देख ली, हमने असर्शन रीजन देख ली, हमने चैप्टर के बीच से सारी डिटेल्स देख ली, लास्ट चीज बचती है मैप बेस्ड क्वेश्चंस। मैप बेस्ड क्वेश्चंस के लिए हमसे मैप बनना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैप की हमने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाई है तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, आपको आई बटन में डल जाएगी, आप उसको टैप करके देख सकते हैं। पूरी मैप हमने कवर किए हैं तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। जब आप ये कर लोगे तो आपको पूरा जब तक खत्म हो जाएगा। इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। मुझे आपको सब कुछ समझ में आया, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन ऐड करने तो कमेंट बॉक्स में डिस्कॉर्ड सर्वर में लिख सकते हो, ताकि बाकी बच्चों को भी हेल्प हो। इसी के साथ यार साइनिंग ऑफ, देव टेंगुरिया, बाय बाय।